मान्यता है कि यहाँ पर खुद गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, और जिस गुफा में बैठ करके वो यहाँ महाभारत लिखी थी वो वाला मंदिर और यहाँ पे गुफा, हम आज आपको यहाँ का दर्शन कराएंगे। आप आइए मेरे साथ, आइए। अभी वापस लौट के भाई आएंगे, लौट के प्रसाद ले आएंगे, टिक्का ले आएंगे, फल ले आएंगे। आई है बस यार, वहाँ पर पहला दर्शन किया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यहीं श्री व्यास जी द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। ये वही स्थान है जहाँ पे गणेश जी ने यहाँ पे महाभारत लिखी थी, और ये गुफा यहीं पर है। ज़्यादा जानकारी जो यहाँ के पंडित जी से लेंगे। आप आइए हमारे साथ, भीड़ यहाँ पे ज़्यादा है। अभी कुछ श्रद्धालुगढ़ जब चले जाएंगे तो फिर पंडित जी से बात करते हैं थोड़ा सा। जी पंडित जी, राम राम जी। पंडित जी, यहाँ की मान्यता क्या है, थोड़ी सी बताइए। इस गांव का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुरी। मणिभद्र नाम का एक यक्ष था यहाँ, कुबेर जी का सेवक था, उसके नाम से इस क्षेत्र का नाम मणिभद्रपुरी हुआ। धीरे धीरे बोलते बोलते उसका भ्रंश होके हो गया माणा अभी जी। और ऐसा कहते हैं कि पुष्पक विमान का वो रक्षक था, उसी को मार के जो है रावण यहाँ से पुष्पक विमान को छीन के ले गया था। जिस पर्वत पर हम बैठे हैं इस पर्वत का नाम नर पर्वत है, सामने वाला पर्वत नारायण पर्वत है। भगवान नर और नारायण के इस पर्वत के, इन दोनों पर्वतों के मध्य में जो है, जो इस क्षेत्र में हम बैठे हैं, इसका नाम जो है सम्याप्रास आता है भागवत में। तो सम्याप्रास नाम के इस तीर्थ में भगवान के 17वें अवतार आए कृष्ण द्वैपायन जी। यहाँ जब आए तो सर्वप्रथम उन्होंने वेद के विभाग किए, उनका नाम पड़ा वेदव्यास। उसके पश्चात जब उन्होंने पुराण और महाभारत की रचना की तो द्वापर में जो है लिखने की परंपरा नहीं थी, तो वेदव्यास जी ने मन में विचार किया कि ये जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं पुराण महाभारत, इनको याद करने वाला कोई नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी के कहने पर जो गणेश जी का स्मरण किया गया था, ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर अभी हम बैठे हैं यहीं पर जो है गणेश जी प्रकट हुए थे, और गणेश जी ने जो है, जब गणेश जी के समक्ष जब व्यास जी ने प्रस्ताव रखा कि आप इन ग्रंथों को लिखिए, तो गणेश जी ने एक शर्त रखी कि आप जो है बिना रुके हुए बोलेंगे, हाँ मेरी लिखनी जो रुकनी नहीं चाहिए। तो व्यास जी ने भी जो है गणेश जी को विघ्नहर्ता समझ कर जो है कि अगर गणेश जी मेरे कार्य को करेंगे तो मेरे कार्य में विघ्न नहीं आएगा, तो उन्होंने भी जो है बुद्धिपूर्वक एक शर्त रखी कि आप जो है जो कुछ मैं बोलूँगा उसको बिना समझे, बिना अर्थ समझे आगे नहीं लिखेंगे। ऐसी दोनों में शर्त हुई थी। तो ये स्थान गणेश जी का लिखने का था। व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे, बीच बीच में जब समय चाहिए होता था तो एक कूट श्लोक बना के सुना देते थे, उसका भाव निकालने में जब गणेश जी को समय लगता था, जब तक वो अपना नित्य कर्म संध्या वंदन इत्यादि जो करके जाए पुनः बैठ जाते थे। इस प्रकार से व्यास जी बोलते गए थे और गणेश जी स्थान पर बैठ के पुराण और महाभारत की कथाओं को लिखते गए थे, वही स्थान है। इस स्थान का हम बाहर से दर्शन कराएंगे, बाकी आपको पूरा दर्शन जब आप माणा गांव आएंगे तब आप यहां पर आ करके पूरा दर्शन करिएगा। बाहर से इस मंदिर का दर्शन कर लिए, ऊपर गणेश जी की यहां बनी हुई है मूर्ति। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम।